दोस्तों, क्या आपको पता है पाकिस्तान हर बार 2020 भारत से क्यों हार जाता है? क्या आप जानते हैं एक ऐसा कॉस्ट्यूम भी होता है जिसको खाया जा सकता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही फैक्ट बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर एक, दोस्तों आपने बहुत से लोगों से म्यूजियम के बारे में सुना होगा और शायद आपने खुद देखा भी होगा, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि हमारे भारत में एक ऐसा म्यूजियम पाया जाता है जहां जाने के बाद आपका सर जरूर चकरा जाएगा। इस म्यूजियम को सुधा कार म्यूजियम नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के हैदराबाद में मौजूद है। म्यूजियम के अंदर पाई जाने वाली हर एक चीज एक तरह की कार है। इस म्यूजियम के अंदर रखा गया कंप्यूटर हो या फिर कोई भी चीज, सबकी सब कार है। इन सब चीजों को ऐसे बनाया गया है कि कोई भी इंसान इसके अंदर बैठकर इसे एक कार की तरह चला सकता है। अगर आप इस म्यूजियम के अंदर जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा सर चकरा जाएगा, क्योंकि ये एक काल्पनिक दुनिया बनाई गई है जिस दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज एक कार है। नंबर दो, दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि केरल की रहने वाली एना एलिजाबेथ द्वारा बनाई गई एक साड़ी जिसको आप पहनने के साथ साथ खा भी सकते हैं? आप भी सोच रहे होंगे आखिर इसको बनाने की वजह क्या रही होगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन्होंने बचपन से ही खाने पीने का बहुत शौक रहा है। इसी को देखते हुए इन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए दुनिया की पहली ऐसी साड़ी बनाई जो कि ईटेबल है। इसी वजह से ये आज अपने नाम से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को हासिल कर चुकी हैं। नंबर तीन, दोस्तों वैसे तो आपने मुर्गों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि कोई मुर्गा ऐसा भी होता है जो इंसानों के साइज का पाया जाता है? दोस्तों, ये मुर्गा इंसानों के साइज का है और इस मुर्गे को ब्रह्मा नाम दिया गया है, और दोस्तों ये मुर्गा एक खास जगह पर पाया जाता है। नंबर चार, क्या आप ये बात जानते हैं कि कोलंबस के लोगों ने आसमान से आती हुई एक बेहद अजीब आवाज को सुना था? इस आवाज को उनके द्वारा द ट्रम्पेट साउंड का नाम दिया गया। जब ये आवाज आसमान से आ रही थी तो लोगों को कई जगह पर इस तरह का क्लाउड भी देखने को मिला था। इसके पीछे वजह क्या थी, इसका पता तो अब तक नासा भी नहीं लगा पाई है। नंबर पांच, दोस्तों वैसे तो आपने मंदिरों को अलग अलग तरीके से सजा हुआ देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में ले जाने वाले हैं जो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पाया जाता है। दोस्तों, इस मंदिर वैश्वी कन्या का टेंपल को 5,16,00,000 रुपए के रंग बिरंगे नोटों से सजाया गया। इसमें नोटों को आपस में जोड़ जोड़ कर मंदिर के ऊपर लगाया गया था। ये मंदिर को सजाने के लिए इतने ज्यादा नोट लगाए गए थे कि इसके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। नंबर छह, दोस्तों आप में से हर किसी ने केबल कार के बारे में देखा या तो सुना तो होगा ही, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि किस टेक्निक से केबल कार चलाई जाती है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि केबल कार को चलाने के लिए असल में इस टेक्निक को इन्वेंट किया ही नहीं गया था। पहले के जमाने में इन केबल कार की जगह पर बस को बांधकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता था। इस बस में एक साथ 20 से 25 लोग बैठ सकते थे। बस का वजन ज्यादा हो जाने की वजह से इसका काफी ज्यादा एक्सीडेंट होने लगा था। आगे चलकर इसी को मॉडिफाई करके केबल कार का रूप दे दिया गया। नंबर सात, दोस्तों आपने ऐसी आइसक्रीम तो बहुत खाई होंगी जिनको और मजेदार बनाने के लिए उनके अंदर ड्राई फ्रूट मिला दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां आइसक्रीम के अंदर ड्राई फ्रूट नहीं बल्कि जिंदा कीड़ों को डाला जाता है? शायद मुझे आपको उस देश का नाम बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा चाइना में किया जाता है। वहां पर काफी बड़े स्केल में ऐसी आइसक्रीम बनाई जाती है और बेची भी जाती है जिनके अंदर जिंदा कीड़ों को डालकर लोगों को खिलाया जाता है, और लोग बड़े ही शौक के साथ इसे खाते हैं। नंबर आठ, दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि अभी हाल ही में टीम इंडिया द्वारा अपनी वर्ल्ड कप की नई जर्सी को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया गया था? ठीक उसी को स्पॉट करने के लिए बुर्ज खलीफा पर टीम इंडिया की जर्सी को दिखाया गया था। ऐसा पहली बार देखने को मिला था कि बुर्ज खलीफा के ऊपर टीम इंडिया की जर्सी को ऐसे दिखाया गया। नंबर नौ, दोस्तों हमको आपको बताने की जरूरत नहीं कि पॉजिटिव खाना हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जो खाना नहीं खाता बल्कि खाने की जगह रेत खाकर जिंदा रहता है, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको आज एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेत खाकर जिंदा है। दोस्तों, इनका नाम कुलसुमाती देवी है और ये बनारस के गांव से बिलोंग करती है। ये दुनिया की पहली ऐसी लेडी है जो पिछले 63 सालों से रेत खाकर जिंदा है। आज तक इनके शरीर के बारे में कोई भी डॉक्टर ये नहीं बता पाया कि उनकी बॉडी कैसे सिर्फ रेत खाकर अपने आप को एनर्जेटिक रख सकती है। नंबर 10,
दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे स्कूलों में पढ़ाई कैसे करवाई जाती है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि अमेरिका का एक ऐसा स्कूल भी है जहां पर पढ़ाई कम होती है और खेलकूद ज्यादा होता है। इसके लिए आपको मिलना पड़ेगा रॉन क्लार्क से। इन्होंने यूएसए के अंदर एक ऐसा स्कूल बनाकर तैयार कर दिया है जिसके अंदर बच्चों को खेलकूद और म्यूजिक की सहायता से पढ़ाया और कुछ सिखाया जाता है। रॉन का ऐसा मानना है कि हर देश को अपनी एजुकेशन की रणनीति को बदलना चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ाई में मजा आने लगे। इनका यही मानना है कि इस तरीके से अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो चीजें उनके सबकॉन्शियस माइंड तक जा सकती हैं, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट बाकी लोगों की तुलना में काफी ज्यादा क्रिएटिव बन सकता है। समय के साथ साथ ये स्कूल यूएसए में काफी ज्यादा फेमस होता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ के पास आउट हुए बच्चे काफी ज्यादा और लोगों की तुलना में होशियार होते हैं। नंबर 11। दोस्तों, वैसे तो आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने अपने सर पर कोई चीज रखकर काफी देर तक बैलेंस किया होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जो अफ्रीका में रहते हैं, जिनका नाम जॉर्जरी दा सिल्वा है। इन्होंने अपने सर के ऊपर 735 अंडों को रखकर बैलेंस किया था। इसी की वजह से इनके नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इनसे पहले 60 लोगों ने और इस वर्ल्ड कप को बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सभी के सभी कामयाब नहीं हो सके। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके अपनों तक भी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ, तो लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहें। धन्यवाद।